लेकिन मैंने कहा अच्छी बात है, तुमने अंदर दिखाया था अच्छी गलती हो जाती है, लेकिन ये तो सही में कोई आदमी नहीं आता ऐसे पैसे लेके वापस के बाजार में, कोई नहीं आता। ढंग से मार पोछा, ये अबे यहाँ काम फेंक रहे पोछा। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो कल का ब्लॉग एडिट कर चुका है, अपलोड कर चुका है, तो जाके आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो सीनू भी बाहर आ चुका है और यहाँ पर सीनू की दोस्त आ चुकी है। सीनू हेलो बोलो अपने दोस्त को। अगर कीड़े को तो ये ऐसा मार रहे ना। मम्मी को बाय बोल दे। बाय, लव यू। सो गाइस, अभी सीन ऐसा है कि जैसे मैं दुकान पहुंचा तो उससे पहले ही मेरी गाड़ी का जो तेल था वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तेल लेने पापा की बाइक में। तो भाई आज तो पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी हुई है, 3 गाड़ियों की सिर्फ। मेरे को कर दिया गया है मना कि भाई प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा फिर से और फिर से वो खाली बाइक लेकर आनी पड़ेगी। तो भाई आपके साथ ऐसा ना हो तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अपनी गाड़ी में थोड़ा सा तेल ज़रूर रखें ताकि आप पेट्रोल पंप तक पहुँच पाए। तो भाई अभी मैंने यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल दिया दूसरी गाड़ी के लिए। तो अभी यहाँ पर सीनू धनिया के साथ खेल रहा है और मम्मी धनिया को क्या कर रही है? माँ भून रही हूँ। धनिया को क्यों भून रही तुम? धनिया को इसलिए भून रही हूँ, खुशबू आती है बहुत ज्यादा, खुशबू आती है खाने में, जो शरीर में डालो तो अच्छा खुशबू आती है। और ये चीजें क्यों, ये चीजें भी मिलाएगी? हाँ, गर्म मसाला है सब, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम मसाला पूरा डाल के, ऐसे नहीं कि सर्दी में डाल के वो गर्म में डाल के, हमारा मसाला ये रहते थे, लेकिन लोग ऐसे कहते ठंड में डाल के या गर्म में डाल के, हम गर्म में उतने मसाला खाते हैं, सर्दी में उतने मसाला खाते हैं। हम नहीं करते कम, सर्दियों में ज्यादा करो गर्म में, हमारा मसाला वही रहता है, मसाले इसलिए भून रही थी, इसमें बहुत खुशबू आती है। जब धनिया भून के ना मैं, तो धनिया भून के वहीं से आग बारिश हो गई, पर धनिया भून के तब मैं चक्की में ले जाऊंगी। तो अभी बारिश हो चुकी है और भाभी फुल तरीके से एंजॉय कर रही है। तू भी जाएगा? तू भी जा रहा? बुखार आएगा तीनो तेरे को, तू भी जा रहा है नहाने? तो कितने साल बाद नहा रहे हो भाभी आप बारिश में? तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपने छत में, क्योंकि जिस तरीके का मौसम हो रखा है कोटद्वार में तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए गाइस, कोटद्वार के मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा कि कब बारिश हो रही है कब धूप आ रही है। अभी बारिश रुकी हुई है और एकदम से फिर से तेज़ बारिश हो जाएगी कुछ ही देर बाद। ये पूरा साइड जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पीछे जो आपको धुंध सा दिख रहा है वो पूरी बारिश हो रही है और हमारे सामने वाले खेत में फिर से पानी भर चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बारिश जिस तरीके से हुई है बहुत ही तेज़ हुई है। और देखिए पीछे जो इस घर के पार आपको थोड़ी सी धुंध सी लग रही है, भाई यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं गाँव साइड तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इस साइड जो शहरी इलाका है वहाँ पर थोड़ी सी धूप आई हुई है, लेकिन आसमान में अभी भी पूरे काले बादल छाए हुए हैं।
तो अभी यहाँ पर सीनू बारिश में नहा के अब नॉर्मल पानी से भी नहा चुका है। तो सीनू कैसे लगा आपको बारिश में नहा के? अच्छा। कितना अच्छा? तो अभी तो मैं नीचे आ चुका हूँ और अब करूँगा लंच। तो आज लंच में है राजमा और चावल, तो इसको खाने के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30 और अभी आप देख सकते हैं कि कोटद्वार का जो क्लाइमेट है वो कितना चेंज हो चुका है। जो अभी थोड़ी देर पहले जो बारिश हो रही थी अब यहाँ पर धूप आ चुकी है। आजकल के मौसम को तो कुछ भरोसा ही नहीं कर सकते। अभी लगा था कि भाई थोड़ा सा ठंडा हो चुका है कोटद्वार, लेकिन फिर से वही धूप आ चुकी है और पूरा जो मौसम था वो एकदम से खुल चुका है। काफ़ी साफ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो इस साइड तो आपको देखने को मिल रही है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, और इस साइड है बीएल, और इस साइड है दुर्गापुरी। तो यहाँ का मौसम तो अब काफ़ी खुल चुका है। तो चलिए चलते हैं अभी अपनी शॉप पे। जैसे कि आपको पता है कि हर शाम को 4:30 मैं शॉप पे चले जाता हूँ। तो भाई जैसे मैं शॉप पे जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे जेब में 200 रुपये पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो सुबह मैंने पेट्रोल भराया था तो मैंने उनके रुपये नहीं दिए थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पम्प उनको रुपये देने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वरना सुबह रुपये नहीं दिए थे मैंने। आपने कितने का तेल भराया? आपने कितने का तेल भराया था? 200 का ना। सुबह रुपये नहीं दिए थे लेकिन मैंने कहा छिवा तो नहीं अंदर दिखाया था, चिकल हो जाती। लेकिन सही में कोई आदमी नहीं आता ऐसे पैसे लेके वापस के बाजार। कोई नहीं आता। थैंक यू। कैसे भाई? थैंक यू बोलो भाई। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भैया, अभी 200 का फिर से भर दो भैया, वो गूगल पे करूँगा अभी मैं। तो अभी तो मैं अपनी शॉप पे आ चुका हूँ और जैसे कि आपने देखा कि वो अंकल मेरी ईमानदारी के कितने अच्छी बातें कर रहे थे कि भाई ये लड़का ईमानदार है। तो मैं आपको बता दूं ईमानदारी तो भाई वो बात की बात होती है, सबसे पहले होता है आपका बिहेवियर। तो मेरा बिहेवियर तो भाई खुले दिल वाला है कि भाई जैसा होगा वैसी करो। तो उनके जो रुपये बचे थे तो मैंने दे दिए। हालांकि माइंड पर थोड़ा सा आया कि क्यों ना इसके कबाब मोमो खा लिया जाए, फिर मैंने अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल किया। मैंने बोला नहीं दे देते हैं, तो मैंने दे दिए। तो आपसे भी उम्मीद रहेगी कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी के रुपए देना या कोई लेना भूल जाता है तो आप उनके रुपए लौटा दो ताकि उनकी भी जो टेंशन होगी वो हट जाए। क्योंकि अगर मैं उनके 200 रुपये नहीं देता तो भाई उनका जब रात को हिसाब होता है पेट्रोल पम्प वालों का, तो आई नो आपको भी पता है कि भाई किस तरीके से हिसाब होता है। तब वो ब्लेम डालते हैं कि भाई कहाँ गए 200 रुपये, थोड़ा माइंड भी उनका ख़राब हो जाता। तो इससे अच्छा मैंने उनकी जो प्रॉब्लम थी वो पहले सुलझा दी। तो उम्मीद है आप लोग मेरी इस ईमानदारी से थोड़ा सा कुछ सीखेंगे। तो गाइस अभी मैं दुकान बढ़ा के मैं और दीपू आए हैं दुर्गापुरी के जानू सूप बार में, जो यहाँ का काफ़ी फेमस है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और अभी हम कर रहे हैं डिनर। तो मैं आपको बताता हूं आज डिनर में क्या बनाए। तो आज बनी है चचिंडे की सब्जी और सुबह जो थोड़े से लिंगोड़े बच गए थे तो वो अभी मैं खाऊंगा। और यहां पर मम्मी और भाभी बैठी हुई है। किसने बोला तेरे को ये? किसने सिखाया तेरे को ये आबरा का डाबरा? ढंग से मार पोछा ये। अबे यहाँ कहाँ फेंक रहे पोछा? सो गाइस अभी हमने डिनर कर लिया है और अभी लेता हूँ मैं आपसे अलविदा, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे और मेरी ईमानदारी आपको अच्छी लगे तो काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अब कहेगा आपसे सीनू। सीनू कहो गुड नाइट। सी तो गुड नाइट। पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय।
गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी।